कोई पूरी तरह निष्काम हो, कुछ नहीं चाहिए, वह भी, और जो अनेक कामनाओं से ग्रसित है वह भी। किसकी आराधना करे? अधोक्षज भगवान श्री हरि की। श्री राम कृष्ण हरि एक ही है, कोई भेद नहीं है। अधोक्षज भगवान की आराधना करे, वो सब कुछ देने वाले हैं और निष्काम बनाने वाले हैं। कामनाओं की जब तक अंत नहीं होगा ना, तब तक मन में शांति नहीं होगी। एक व्यक्ति एक संत के पास गया और बोला कि एक ही इच्छा है कि शांति मिले। तो संत ने इतना बढ़िया उत्तर दिया, बोले तुम कह रहे हो एक ही इच्छा है शांति मिले, लेकिन मैं कह रहा हूं जब तक इच्छा है तब तक शांति मिलेगी नहीं, इच्छाओं की निवृत्ति होने के बाद ही शांति मिलेगी। इच्छाएं मिट जाए, इच्छाओं को मिटाओ। हमारी इच्छाओं की ये स्थिति है कि पहले किराए के घर में रहते थे तो सोचते थे कि चलो अपना बन जाए, भले ही छोटा सा हो, दो कमरे का हो, लेकिन अपना हो, किसी की बात ना सुनना पड़े। अपना बन गया, अरे बोले अब बन तो गया पर थोड़ा छोटा है, मेहमान आते हैं तो थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ा सा और ये इतना बन जाए, फिर इसमें ये और हो जाए, इसमें बढ़िया सोफा लग जाए, इसमें अमुक लग जाए, इसमें ये बन जाए, तो एक के बाद एक इच्छा बढ़ती गई। फिर लगा के थोड़ा शहर से दूर है, गाड़ी आ जाए, फिर लगा के थोड़ा ऊपर और बन जाए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो जाए, तो हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं और वो इच्छाएं ही हमें परेशान करती हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अनेक इच्छाओं वाले व्यक्ति को भी भगवान का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि भगवान उसकी इच्छाओं का धीरे धीरे अंत कर देंगे।